हेलो एवरीवन। देखिए, आज के सेशन में हमें क्या डिस्कशन करना है, मैं पहले आपको बता दूं। हम इसमें तीन पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। पहला, जो मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था, उसका मैं आपको सॉल्यूशन शो करूंगा बस, ठीक है? आपको ऐसा कर सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके और आराम से सॉल्यूशन को मैच कर लें। सॉल्व इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि इसके जैसे दो क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कराए थे। दूसरा, आज हम स्टडी मटेरियल का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? और तीसरा, आज हम एक न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और वो कॉन्सेप्ट है कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर। हम अपने नेक्स्ट सेशन में क्या पढ़ेंगे, हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है? उसमें हम DRR का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जहाँ कुछ अमेंडमेंट्स आए हुए हैं, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो, तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो मैं पहले आपको सॉल्यूशन शो कर देता हूँ उस क्वेश्चन का जो हमने पहले किया था। ओके, देखिए, ये है वो होमवर्क क्वेश्चन। आप एक बार क्वेश्चन देख लें, अपना सॉल्यूशन देख लें, वीडियो को पॉज करके आराम से आप मैच कर सकते हैं। तो इसमें हमने क्या किया था, 1 अप्रैल 16 को हमारे पास 12% डिबेंचर थे 15,000। 1 जून 16 को हमने एक्वायर किए थे 4,000 अपने ही डिबेंचर 100 रुपये कम इंटरेस्ट पर। फिर 1 नवंबर को हमने फिर से एक्वायर किए थे 3,000 अपने ही डिबेंचर 98x इंटरेस्ट पर। और इनमें से हमने 6,000 अपने डिबेंचर कैंसिल कर दिए थे ऑन 1 फेब 2017, विच इंक्लूड्स ऑल डिबेंचर एक्वायर्ड ऑन 1 जून 2016। उसमें वो सारे डिबेंचर इंक्लूडेड जो हमने जून में एक्वायर किए थे, मतलब 4,000 ये डिबेंचर होंगे और 2,000 हमने 3,000 वाले में से किए होंगे। इंटरेस्ट डेट बीइंग 30 सितंबर एंड 31 मार्च। जर्नलाइज करना है आपको, जर्नल एंट्री करनी है। तो ये देखें, हमने टाइम स्केल बनाया, तो टाइम स्केल में क्या क्या शो हो रहा है। हमने जून में डिबेंचर एक्वायर किए 4,000, फिर यहाँ इंटरेस्ट की बात आई, फिर हमने 3,000 डिबेंचर और एक्वायर किए, इसमें से 6,000 कैंसिल कर दिए और फिर इंटरेस्ट। देखिए, जब हमने 4,000 यहाँ एक्वायर किए हैं, तो जब हमें बाद में इंटरेस्ट मिलेगा, तो 15,000 में से 11,000 डिबेंचर आउटसाइडर के पास होंगे और 4,000 ओन डिबेंचर पर ब्याज देना पड़ेगा। हमने यहाँ 3,000 और एक्वायर किया और 6,000 कैंसिल कर दिए, 6,000 में 4,000 पुराने और 2,000 नए। तो हम एंड में डिबेंचर देंगे, तो 6,000 कैंसिल हो गए, 15,000 में से 6,000 डिबेंचर कैंसिल हो चुके हैं, तो बताएं कितने, 9,000 डिबेंचर बचे होंगे, ठीक है? 9 में से 1,000 डिबेंचर अपने पास पड़ा हुआ है और 8,000 डिबेंचर्स आउटसाइडर के पास पड़े होंगे, तो हम इस तरीके की एंट्री करेंगे। देखें, ये पहली एंट्री चेक कर लें, ओन डिबेंचर अकाउंट एक्स इंटरेस्ट, ठीक है? इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर, ये वर्ड ध्यान रखना आप, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर, ये इनकम के अकाउंट को रिवर्स करते हैं हम। और फिर बैंक अकाउंट 4,02,000 रुपये से, ये हमने अपना डिबेंचर 1 जून को ख़रीदा, अभी कैंसिल नहीं हुआ तो इसकी हम एंट्री नहीं कर रहे हैं। फिर 30 सितंबर को हम ब्याज देंगे, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट टू बैंक या आउटसाइडर को दिया हमने 11,000 रुपये, और टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर दिया 4,000 रुपये, और 6 महीने का ये ध्यान रखना आप, है ना? क्योंकि जिससे हम एक्वायर करते हैं उसको हम पिछले पीरियड तक का ब्याज दे के आते हैं। जैसे यहाँ हमने एक्वायर किया, तो हमने जिससे भी एक्वायर किया होगा उसको हम 2 महीने का ब्याज दे के आए होंगे, ठीक है? अब हम कंपनी से 6 महीने का ब्याज ले लेंगे, तो हमारे पास 4 महीने का बैलेंस बच जाएगा, ठीक है? तो ये हमने डिबेंचर एक्वायर किया, इंटरेस्ट दिया। फिर देखें, हम नवंबर में हमने फिर से डिबेंचर एक्वायर किया, ओन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर टू बैंक, और फिर हमने डिबेंचर को कैंसिल कर दिया। कैंसिल के हम कॉमन एंट्री करेंगे, मैं आपको और क्लियर समझाने के लिए, इजी करने के लिए अलग अलग एंट्री कर देता हूँ। तो मैंने 6,000 डिबेंचर कैंसिल किए, तो 4,000 पहले वाले, 2,000 बाद के, तो 4,000 पहले जो हैं वो हमने कैंसिल किए और कैंसिलेशन पे हमें 6,000 का फ़ायदा हुआ। आप इसको लिख सकते हैं कैपिटल रिजर्व, या फिर आप इसको लिख सकते हैं प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। आप इतना भी लिख के छोड़ सकते हैं, आप कैपिटल रिजर्व भी लिख सकते हैं, ठीक है? और मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी आप डिबेंचर कैंसिल करें, आपको इंटरेस्ट देना है अप टू दी
डेट ऑफ कैंसिलेशन, तो जिस दिन भी आप डिबेंचर कैंसिल कर रहे हैं उस दिन तक का आपको ब्याज देना है। ये 2000 डिबेंचर हमने और कैंसिल किए जो 1 नवंबर को एक्वायर किए थे, और इस केस में हमें 4000 रुपये का फ़ायदा हुआ, और इस पर भी हमने ब्याज दिया उस डेट तक का जब हमने इनको कैंसिल किया। तो फ्रॉम लास्ट इंटरेस्ट डेट 30 सितंबर टू डेट ऑफ कैंसिलेशन का हमने ये ब्याज दिया है। इसके बाद ईयर एंड पे हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर मार्च में कुछ हमने बाहर वालों को ब्याज दिया, और 1000 डिबेंचर जो हमारे पास है उस पर हमने ओन डिबेंचर पे ब्याज दिया, और ये पूरे 6 महीने का, क्योंकि इस पर अभी तक कोई हिसाब नहीं हुआ था। जो हमारा इंटरेस्ट का एक्सपेंस है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, वो हमने P&L में डेबिट कर दिया, और जो हमारी इंटरेस्ट की इनकम है इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर, वो हमने P&L में क्रेडिट कर दिया। ठीक है, आई होप आपको ये सवाल बन गया होगा अच्छे से। ओके अब देखें, यहाँ एक मैंने कंपैरिजन लिखा हुआ है, वो आप एक बार देख लें। हमने तीन तरीके से, दो तरीके की सिचुएशन डिस्कस की हैं अभी तक। पहला, परचेज ऑफ ओन डिबेंचर, और उसका हम इमीडिएट कैंसिलेशन कर देते हैं। दूसरा, हमने पढ़ा है परचेज किया डिबेंचर को, कुछ पीरियड तक होल्ड किया, हमने तुरंत कैंसिल नहीं किया, और हम बाद में उसको कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा, मैंने आपको अभी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराया, मैं इसका आपको होमवर्क दूंगा, डायरेक्ट आपसे हो जाएगा। हमने डिबेंचर को परचेज किया, कुछ समय तक होल्ड किया, और हमने कुछ डिबेंचर कैंसिल कर दिए, कुछ को हमने वापस से मार्केट में सेल कर दिया, तो रीसेल कर दिया। तो इन तीनों में कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं, तो पहले मैं इन दोनों को कंपैरिजन बता दूंगा आपको, और फिर वो तीसरे में क्या डिफरेंस आएगा वो बता दूंगा। जब हम अपने डिबेंचर को एक्वायर करते हैं और इमीडिएट कैंसिलेशन करते हैं, तो मैं पहले जो एंट्री करता था वो एक्वायर करने की एक एंट्री करता था, ओन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर की जगह इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लिखता था डायरेक्ट, क्योंकि मैं इसको इन्वेस्टमेंट के रूप में ट्रीट नहीं करता था। तो मैं इनकम को रिवर्स करूँ फिर बाद में 6 महीने की इनकम बुक करूँ, ऐसा नहीं था। तो डायरेक्ट जितने भी महीने हुए हैं, हमने किसी से अगर 2 महीने इंटरेस्ट डेट निकले, 2 महीने बाद हमने उससे एक्वायर किया है और डायरेक्ट हम कैंसिल कर रहे हैं, तो कंपनी 2 महीने का सीधा ब्याज का खर्च बुक करेगी और उसको P&L में चार्ज कर देगी। ठीक है, तो यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर नहीं लिखेंगे, जबकि हम इन्वेस्टमेंट के रूप में जब डिबेंचर को एक्वायर करते हैं लेटर डेट पे कैंसिलेशन के लिए, तो हम इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर लिखते हैं। तो डिबेंचर एक्वायर करने की एंट्री है, और इसके बाद सेकेंड एंट्री आएगी। देखिए, मैं लिखा है फर्स्ट एंट्री, थर्ड एंट्री, सेकेंड। मैंने यहाँ ऐसे क्यों लिखा है, कंपेयर करने के लिए। तो हम डिबेंचर को एक्वायर करेंगे और इमीडिएटली हम उसको कैंसिल कर देंगे, और ये कैंसिलेशन की एंट्री आ जाएगी, डिबेंचर टू ओन डिबेंचर टू कैपिटल रिजर्व। आप इसकी डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हैं। ठीक है, ओन डिबेंचर अकाउंट ओपन ही ना करें, सीधा डिबेंचर अकाउंट डेबिट करें, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर करें, टू बैंक करें, टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन या कैपिटल रिजर्व करें। जो मैं आपको लेजर बनाऊंगा वो डायरेक्ट एंट्री करके बता दूंगा, और यहाँ मैंने आपको डबल एंट्री करके बताई। तो ये डिबेंचर को एक्वायर करने की एंट्री, ये उसको कैंसिल करने की एंट्री। ठीक है, पहली एंट्री, दूसरी एंट्री। ओके, यहाँ क्या होता है, मैंने ऐसा क्यों लिखा है, देखें, जब आप अपने डिबेंचर को इन्वेस्टमेंट के रूप में एक्वायर करते हैं तब भी आप यही एंट्री करते हैं, ओन डिबेंचर अकाउंट इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर अकाउंट, इतना चेंज आता है टू बैंक, और बाद में जब आप उसको कैंसिल करते हैं तो कैंसिलेशन की एंट्री सेम ही होती है, ओन डिबेंचर डिबेंचर टू ओन डिबेंचर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो एक्वायर करने की सेम एंट्री है, बस यहाँ एक वर्ड चेंज आ जाता है, ओन डिबेंचर लिखना है आपको, और कैंसिलेशन की सेम एंट्री है। अब इमीडिएट कैंसिलेशन कर देते हैं तो जो हमने अपने ही डिबेंचर खरीदे थे उस पर ब्याज नहीं देना पड़ता, तो हम केवल बचे हुए डिबेंचर पर ब्याज देते हैं। लेकिन जब हम इमीडिएट कैंसिलेशन नहीं करते हैं तो हमें इंटरेस्ट आउटसाइडर को भी देना पड़ता है और अपने डिबेंचर पर भी देना पड़ता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जब भी आप डिबेंचर को कैंसिल करेंगे आप कैंसिलेशन तक की डेट का इंटरेस्ट भी देंगे, और इसकी एंट्री आएगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर। ठीक है, एक बार आप कंपेयर कर लें, खरीदने में सेम एंट्री कर सकते हैं आप, बस ओन डिबेंचर यहाँ लिखना ना भूलें इंटरेस्ट के लिए, कैंसिलेशन की सेम एंट्री होगी। अब इमीडिएट कैंसिलेशन के लिए आपको बीच में अपने ही डिबेंचर पे ब्याज नहीं देना है, लेकिन अगर आप उनको होल्ड करके रखते हैं लेटर डेट पे कैंसिल करते हैं, तो आपको बीच में भी ब्याज देना पड़ेगा, और जिस दिन आप कैंसिल कर रहे हैं उस दिन भी ब्याज देना पड़ेगा, और ब्याज की एंट्री आएगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर। अब हम इन दो को कंपेयर कर लेते हैं, डिबेंचर को कैंसिल कर देना या डिबेंचर को एक्वायर करने के बाद रीसेल कर देना। तो एक्वायर करने की सेम एंट्री आएगी,
जब तक आप उसको होल्ड किए हुए हैं, इंटरेस्ट की सेम एंट्री आएगी, बस आप कैंसिल की जगह अगर उसको रीसेल कर देते हैं तो आप जिसको डिबेंचर बेचेंगे उससे आप पैसे लेंगे, आपका डिबेंचर चला जाएगा। और अगर आपको डिबेंचर बेचने पर प्रॉफिट होता है तो, क्योंकि आप अपने इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं और इन्वेस्टमेंट के अगर बेचने पे प्रॉफिट होता है तो इन्वेस्टमेंट बेचने का प्रॉफिट हमेशा P&L में जाता है, इसलिए आप प्रॉफिट ऑन कैन जो सेल है वो P&L अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। कैंसिलेशन का प्रॉफिट आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं और आपको जो रीसेल पे जो प्रॉफिट होता है वो P&L में जाता है। और जब आप रीसेल करते हैं किसी को तो आप उसे डिबेंचर का भी पैसा लेंगे और आप उससे ब्याज का भी पैसा लेंगे, तो इंटरेस्ट आपको लेना है जिस दिन आप उसको डिबेंचर बेच रहे हैं, आपको उससे ब्याज लेना है। ब्याज किस दिन से किस दिन तक का लेना है, जब कंपनी की तरफ से लास्ट टाइम ब्याज बांटा गया उस दिन से आपको, जिस दिन आप किसी को सेल आउट कर रहे हैं उस दिन तक का ब्याज लेना है, ठीक है? ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो आप इनको कंपेयर कर लें ताकि आपको कोई डाउट ना हो। अब मैं आपको स्टडी मटेरियल का एक क्वेश्चन करा देता हूँ जिसमें ये कॉन्सेप्ट लेज़र के फॉर्म में आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन इस तरीके का है, इमीडिएट कैंसिलेशन का आपको लेज़र बनाना है। तो मैं यहाँ दो एंट्री जो कर रहा था ना डिबेंचर को एक्वायर करने की, पहले हम डिबेंचर एक्वायर कर रहे थे फिर कैंसिल, आप इनको डायरेक्ट कर सकते हैं, तो ये ओन डिबेंचर हट जाएगा, केवल डिबेंचर बचेगा। तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू बैंक क्रेडिट हो जाएगा और टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन क्रेडिट हो जाएगा। तो इस बेसिस पे मैं आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ।